everyone, welcome back to my channel Lifestyle Saga. My name is Manmeet and I really hope that you're doing well and keeping safe. And आज मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ ये video करने के लिए because ये video उन लोगों के लिए है especially जिन लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मेरी सारी Amity वाली videos को, उनके questions, उनके thoughts एंड एवरी थिंग. आई मीन लिटरली बताऊँ तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करी है. मैंने लास्ट वीक सोच लिया था कि ये वीडियो मुझे करनी है. आई वॉन्ट टू डू अ क्यू एंड ए वीडियो जिसके अंदर आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस. और आप लोगों के इतने कमेंट्स हैं कि मैं कईयों का रिप्लाई नहीं कर पाई. लाइक मोस्ट ऑफ द कमेंट्स का मैंने रिप्लाई किया है एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ, बट कभी कभी कुछ कुछ मिस हो जाते हैं और कुछ कुछ इतने रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं कि क्या बताऊं. आज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लूंगी. आप देख सकते हैं मैंने लिटरली नोट्स बनाए हुए हैं, लाइक ये क्वेश्चंस सारे, देन ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जिनके बारे में मैं बात करूंगी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मैंने लिटरली हर ट्राई किया है कि मैं हर कोर्स के स्टूडेंट के पास जा सकूं पर्सनली, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं उस तक लेके जा सकूं. जिस बंदे ने एक्चुअली वो कोर्स किया है अगर उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आए तो इट्स सुपर्ब एंड आई रियली वांटेड दैट इन्फॉर्मेशन टू गो टू योर गाइज. एंड अगर मेरी वीडियो उसका एक मीडियम है देन आई एम मोर देन हैप्पी. एंड बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज What are you waiting for? Go subscribe to my channel and hit the bell icon. So, पहला question ये है कि please tell us about hotel management course, faculty and placement. So, guys, hotel management is good. Course अच्छा है Amity में, but placement बहुत गंदी है ऐसा मैंने सुना है. Placement is really bad. So, अगर आप कुछ thoughts रख रहे हैं placement को लेके तो no. And if you are someone जो बहुत serious है hotel management को लेके तो गाइज यू कैन डेफिनेटली गो फॉर विदात्या इंस्टीट्यूट ऑफ गुड़गांव. इसके बारे में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया एंड इट इज़ ओनली फॉर होटल मैनेजमेंट एंड इट्स इन डीड द बेस्ट. एंड इसकी प्लेसमेंट भी 100% है और जो उसका एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अमेजिंग था. तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं. मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती बट दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई, सो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ. तो सेकंड क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही रेपिटेटिव था. मतलब इस क्वेश्चन को लेके आई वुड से यूट्यूब पे तो कमेंट्स आ ही रहे थे बट मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ रहे थे. आई वाज लविंग द फैक्ट कि वीडियो इतना अच्छा वर्क कर रही है, पीपल आर एक्चुअली गेटिंग सो मच हेल्प फ्रॉम माई वीडियो, सो आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच इज लॉ. सो ओके, मैंने अपनी वीडियो में आई थिंक मैंने अपनी एक वीडियो में ये बात बताई है जिसके अंदर ये था कि Amity में दो लॉ हैं, एक जो Amity की अपनी है और दूसरी जो IP से एफिलिएटेड है. सो गाइज आई वॉन्ट गिव दिस ब्रेकिंग न्यूज टू यू ऑल बिकॉज आई जस्ट फील कि ये आप लोगों को नहीं पता बिकॉज मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये आए हैं कि IP की लॉ कैसी है, वो Amity में है और जो IP से एफिलिएटेड है वो वाली लॉ कैसी है. तो ये बात मुझे लकीली मेरी फ्रेंड ने बताई अभी थोड़े टाइम पहले दैट जो IP से एफिलिएटेड लॉ थी Amity में वो अब नहीं है. IP की जो एफिलिएशन है वो खत्म हो चुकी है Amity के साथ. अब सिर्फ एक ही लॉ है Amity में जो Amity की खुद की लॉ है. सो वो एफिलिएशन अब खत्म हो चुकी है. एंड रही बात Amity वाली लॉ की, तो कोर्स मैंने पहले भी बताया था कि इट्स सुपर्ब, बहुत अच्छा कोर्स है. द फैकल्टी इज सुपर्ब, द फैकल्टी इज वेरी कोऑपरेटिव एंड प्लेसमेंट इज नॉट दैट अप टू द मार्क, इट्स लाइक सो. बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बहुत बुरी प्लेसमेंट भी नहीं है. तो इट्स लाइक यू कैन प्रेफर, अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है फॉर लॉ देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर Amity. इट्स सुपर्ब एंड इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू. ओके, सो थर्ड मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन इज अबाउट फैशन, फैशन डिजाइनिंग. सो इसके बारे में भी सबने ऑलमोस्ट यही पूछा है कि हाउ इज द कोर्स, हाउ इज द फैकल्टी, प्लेसमेंट एंड क्राउड स्पेशली. सो पहले बात करेंगे हम कोर्स की. कोर्स इज गुड, इट्स डिसेंट, इट्स नाइस, यू कैन गो फॉर इट. एंड फिर बात करते हैं प्लेसमेंट की. तो प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं है, इट्स लाइक ओके. एंड दूसरा बात करेंगे हम फैकल्टी की, तो फैकल्टी इज ऑल्सो गुड. सी वेन द कोर्स इज गुड द फैकल्टी इज ऑल्सो गुड. एंड दूसरा क्राउड की, तो क्राउड भी ओके है जितना मैंने सुना है, इट्स नॉट दैट अमेजिंग. एंड वन मोर इनपुट आई वांट टू गिव फ्रॉम माय साइड इज कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं Amity से तो Amity की और Pearl की फीस आसपास ही रहती है कि
एमिटी की बहुत कम है और पर्ल की बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है, एमिटी की काफी ज्यादा ही पीस है। तो अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है तो व्हाई डोंट यू चूज पर्ल ओवर एमिटी? पर्ल इज मच 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 बेटर देन एमिटी इन टर्म्स ऑफ फैशन, इन टर्म्स ऑफ फैशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स। आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द फैशन डिजाइनिंग कोर्स, एंड अगर आपको जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में, देन आई वुड सजेस्ट गो टू पर्ल, एंड इफ नॉट पर्ल देन एमिटी इज ऑलवेज ऑप्शन। एंड इसके बारे में तो आई वॉज लाइक यार किससे पूछूंगी बीटेक के लिए, बट देयर इज वन पर्सन हुम आई नो जो बीटेक में था, एंड एनीवे सो ही टोल्ड मी दैट बीटेक इज अ सुपर गुड कोर्स फ्रॉम एमिटी इफ यू वांट टू डू, इट्स रियली 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 नाइस। एंड सरप्राइजिंगली उसने एक बात बोली जो सुन के मैं शॉक हो गई, आई थिंक आप भी हो जाएंगे, कि प्लेसमेंट बहुत अच्छी है बीटेक की। आई वाज लाइक आर यू सीरियस? वेल वी गॉट वन कोर्स फ्रॉम एमिटी जिसकी प्लेसमेंट अच्छी है। तो गाइज अगर आपको बीटेक करनी है फ्रॉम एमिटी और अगर आपको कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एमिटी, इट्स रियली नाइस फॉर बीटेक, एंड प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेरी नाइस, कोर्स इज ऑल्सो वेरी नाइस, फैकल्टी इज सुपर्ब, सो एवरीथिंग इज 10/10, देन वाई नॉट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज साइकोलॉजी ऑनर्स? आई वॉन्ट टेल यू दैट द कोर्स इज रियली नाइस, द फैकल्टी इज अमेजिंग, बट प्लेसमेंट इज वर्स्ट, लाइक लिटरली इट्स वर्स्ट। मैंने यही सुना है जिसने साइकोलॉजी करी है फ्रॉम एमिटी, सो शी वॉज लाइक इट्स रियली नॉट अप टू द मार्क, एंड अगर आपको प्लेसमेंट की इतनी टेंशन नहीं है देन डेफिनेटली यू कैन डू साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम एमिटी, इट्स रियली नाइस, एवरीथिंग इज सुपर्ब, कोर्स फैकल्टी इज गुड, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। ओके सो ये जो कोर्स है काफी ज्यादा मिलता जुलता है फ्रॉम PGMC, तो इसके बारे में मुझे काफी इन्फॉर्मेशन थी। प्रैक्टिकल नॉलेज डेफिनेटली बहुत कम है, दे फोकस मोर ऑन थ्योरी 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 विच इज रियली बैड, एंड ये प्रॉब्लम, ये डिफिकल्टी मैंने अपने कोर्स में भी पर्सनली फेस करी थी, तो ऑफकोर्स आई नो, एंड प्लेसमेंट भी इसकी सेम एज PGMC है, सो नो नो। पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगी जो पढ़ के आई लव सो मच, आई कांट टेल यू, मुझे इतनी हंसी आई थी, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया था अबाउट दिस क्वेश्चन बिकॉज इट वॉज फनी एंड इट वॉज क्यूट ऑल्सो, आई मीन सो द क्वेश्चन इज कि मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि दी पढ़ाई तो होती रहेगी, आप ये बताओ कि लड़के कैसे हैं एमिटी में? ओके सो इसका भी मैं ना बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगी, कोई झूठ नहीं बोलूंगी मैं। सो मैंने अपनी पुराने वीडियोस में भी यही बोला था कि जो क्राउड होता है ना वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, कोर्स का क्राउड अच्छा है और हर कोर्स का क्राउड मतलब बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है एमिटी का, जो बाकी लोगों को लगता है कि अरे ये तो अमीर बच्चों का कॉलेज है, अरे ये तो यहाँ तो सारे अमीर ज्यादा आते हैं, मैं मना नहीं कर रही, जेन्युइनली आते हैं, बट लोग जेन्युइनली यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं। यहाँ पे ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पे हर स्टेट से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, विच इज़ ग्रेट। आई मीन आई कैन टेल यू गाइज, मेरी क्लास में, PGMC में, मेरी अपनी क्लास में देर वर अराउंड 50-60 पीपल, या 50-60 बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, एंड उसमें से 60% मैं बोलूँगी जो आउट ऑफ दिल्ली थे एंड आउट ऑफ नोएडा। फॉर मी इट वॉज सुपर्ब टू मीट सो मेनी न्यू पीपल इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने जेन्युइनली इतने सारे अलग अलग सिटीज़ के लोगों से कभी इंटरेक्ट नहीं किया था, फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज सुपर्ब। तो मगर मुझे ओवरऑल एमिटी की रेशियो देनी पड़े एंड में, तो लड़के 30% दे आर गुड, लाइक या दे आर स्मार्ट एंड हैंडसम एंड चिल, बट 70% नो। ये भी मुझसे 3-4 लोगों ने पूछा है, सो द क्वेश्चन इज कि इज एमिटी नोएडा बेटर और एमिटी मुंबई? तो जितना मैंने सुना है इंडिया में जो बेस्ट एमिटी है ना, बेस्ट एमिटी, बेस्ट कैंपस, बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट फैकल्टी, अगर ये 4 चीजें देखें तो वो एमिटी नोएडा की है, एमिटी मुंबई की नहीं है। तो अगर आप
दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एमिटी नोएडा इज मच 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 बेटर देन एमिटी मुंबई. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल अभी के टाइम का है, हाउ इज एमिटी ऑनलाइन. सो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एमिटी से एंड माई हार्ट गोज आउट टू एवरी वन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम एमिटी ऑनलाइन, क्योंकि ये तो बर्स्ट है. आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे एंड मैं तो लिटरली भगवान को रोज थैंक यू बोलती हूँ. जब भी कोरोना आया है मेरा कॉलेज उससे जस्ट पहले ख़त्म हुआ एंड मेरी सारी सेरेमनीज हो गई, मेरा फेयरवेल हो गया, मेरी कॉन्वोकेशन हो गई. मतलब मैं किसी को जेलस नहीं करना चाह रही बट इट्स ट्रू. आई मीन मैं जेन्युइनली अपने मैं और मेरे फ्रेंड्स हमेशा ये बात करते हैं कि यार थैंक गॉड हमारा कॉलेज सही टाइम पे शुरू हुआ और सही टाइम पे ख़त्म हो गया. अगर मेरा कॉलेज एक साल भी लेट होता, लाइक अगर मेरा बैच 2020 होता, तो मेरा फेयरवेल नहीं होता, मेरी कॉन्वोकेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता. बट लकीली माई बैच वॉज 2019 एंड आई एन्जॉयड एवरी थिंग. सो ओके कमिंग टू बैक टू द क्वेश्चन, बहुत हो गया मेरा अपना बोलना. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑनलाइन कैसा है? सो मैंने ऑनलाइन की काफ़ी तारीफ सुनी है. मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जैसे लाइक मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि एमिटी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, टीचर्स आर मैनेजिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं वो सारे कोर्सेज और सारे बच्चों को भी, विच इज सुपर्ब. फ्रॉम एमिटी अगेन, गुड फैकल्टी, गुड कोर्स, फैकल्टी इज वेरी 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 कोऑपरेटिव एंड प्लेसमेंट इज ओके ओके, लाइक नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक कि ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द लॉट. सो द क्वेश्चन इज कि हाउ टू नो दैट यू गॉट सिलेक्टेड एंड आपका एडमिशन हो गया है एमिटी में. सो ओके, अगर आपका एडमिशन हो जाता है ना एमिटी में तो सबसे पहले तो आपको एक मेल आता है कॉलेज की तरफ से, हाय कंग्रेचुलेशंस यू गॉट सिलेक्टेड एंड ऑल ऑफ दैट. सो उसके अंदर ये सब कुछ होता है एंड आई थिंक ये भी होता है कि आपको कैसे फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे करनी है और कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, ऑल द प्रोसीजर इज रिटन इन दैट मेल ओनली. बट उसके बाद ना आपको घर पे एक लाइक प्रॉपर एक लेटर आता है जिसके अंदर सेम थिंग्स आर रिटन और साथ में ना एक एमिटी बुक भेजता है. सो आई विल शो यू दैट बुक. This is the book. I mean, I am quite shocked कि अभी तक मेरे घर पे कैसे है, क्योंकि अच्छी बात है शायद इसीलिए है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी कभी ना कभी. तो ये बुक मम्मा ने कल ही निकाली एंड आई वॉज लाइक कि अभी तक है हमारे पास एंड शी वॉज लाइक हाँ पढ़ी थी मैंने, निकाल दी. मैंने कहा वाह, और मैंने मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मैंने ये वीडियो बनानी है, लाइक तैयारी तो चली रही थी वीडियो की और एकदम से ही बुक मिल गई तो इट वॉज लाइक. तो ये बुक आती है, द बुक इज ऑल अबाउट हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. यहाँ पे लिखा भी है एमिटी यूनिवर्सिटी लीडरशिप सीरीज. और अगर आपको कोई मेल नहीं आया, कोई लेटर, कोई बुक नहीं आई, देन आप एमिटी की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो व्हाट्स द प्रोसीजर. सो या गाइस, दिस वाज इट. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी. इट वाज एक्चुअली वन ऑफ माय मच अवेटेड वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी काम आती है अपनी लाइफ में, अपने करियर में, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई लव टू आंसर ऑल ऑफ देम. और अगर अगेन कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होंगे देन डेफिनेटली शूट अ वीडियो फॉर यू ऑल. आई गेट बैक टू यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू नो द ड्रिल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट द मोस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच अपडेट्स. आई गेट बैक टू यू सुपर सून. बाय बाय.